सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे फोन पे जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, फोन पे रिक्रूटमेंट 2022। हाँ गाइस, यहाँ पे फोन पे कंपनी में 2022 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आ चुकी है। और गाइस आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोगों से लेके ज्यादा पढ़े लिखे तक हर किसी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है और आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे फोन पे जैसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए नौकरी के लिए आवेदन करना है। इसके साथ साथ गाइज मैं यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, पूरा आवेदन का प्रोसेस बताऊंगा। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना अगर आप लोग यहाँ पे फोन पे जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, फोन पे में बहुत कर्मचारी चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे फोन पे जैसी बड़ी कंपनी में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता निकल के आ चुकी है, बहुत सारी भर्तियां निकल के आ चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, काम यहाँ पे आपको सिर्फ 8 घंटे का करना होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी आवर रहेगा, महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएंगे, मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। और सैलरी यहाँ पे आप लोग जो 25,000 देख रहे हैं गाइज, ये बस एक अनुमानिक एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 10वीं पास से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हर किसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरीज वाली जॉब आप लोग को देखने को मिल जाएगी। जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ा सा कम सैलरी वाली जॉब देखने को मिल जाएगी, और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा सैलरी वाली जॉब देखने को मिल जाएगी। आपको अपने शहर में ही काम मिल जाएगी, क्योंकि गाइज यहाँ पे भारत के मैक्सिमम सिटीज में इनका जो है जॉब अवेलेबल है। बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह हर एक चीज में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना अगर आप लोग यहाँ पे फोन पे जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, हम लोग ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ऐसी वाली जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आते हैं जिससे आपका बेरोजगारी दूर हो सके। सो दोस्तों, हमारी इस छोटी सी मेहनत, छोटी सी कोशिश के लिए आप लोग बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ वाले नोटिफिकेशन बेल में ऑल बटन को प्रेस कर देना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और अपनी जॉब पाने की संभावना बढ़ाने के लिए। सो चलिए गाइस, यहाँ पे अभी ज्यादा देर न करते हुए पहले हम लोग देख लेंगे जॉब की पूरा डिटेल्स, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे आवेदन करना है। तो गाइस यहाँ पे जॉब डिटेल्स की बात कर ले तो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, फोन पे रिक्रूटमेंट 2022। हाँ गाइस, यहाँ पे फोन पे जैसी बड़ी कंपनी में 2022 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, और अप्लाई ऑनलाइन फॉर मेनी वैकेंसीज। हाँ गाइस, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जो है वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका निकल के आ चुकी है अगर आप लोग यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको भी आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, फोन पे रिक्रूटमेंट 2022 डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, कौन सी लोकेशन में यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। इससे पहले गाइस आप लोगों से एक शिकायत था, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख के आधी अधूरी जानकारी लेकर आवेदन करते हैं, इसी वजह से आपका जॉब नहीं लग पाता है, और आप लोग मुझे ही दोष देते रहते हैं कि मैं जो है फेक जॉब लेके आता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, इसके साथ साथ पूरा आवेदन करके दिखाता हूँ। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहता है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को फुल्ली वीडियो को देखना है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है, तभी आप लोगों को मालूम हो जाएगा ये सब जॉब फेक है कि रियल है। गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज जो है डिटेल्स में बताता हूँ, तो दोस्तों आप लोग हर एक चीज को बारीकी से समझना, तभी यहाँ पे आवेदन करना। क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पे अभी हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडिडेट्स के तुलना में वैकेंसियां कम आ रही है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, आप लोगों को अच्छी तरह से तो आवेदन करना ही पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ पे जॉब पाना चाहते हैं तो। तो गाइज यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे फोन पे कंपनी में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अप्लाई मोड की बात कर ले तो ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है, कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करना है, 100% फ्री टू अप्लाई। गाइज यहाँ पे आप लोगों को जॉब पाने के लिए कभी भी किसी को एक पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जॉब के लिए आपके लिए जितनी भी जॉब वैकेंसी की अपडेट्स लेके आता है, यह सब में बिल्कुल फ्री और निशुल्क में ही आवेदन करना होता है। हाँ गाइज, यहाँ पे जो है आप लोगों को कभी भी किसी को एक पैसा नहीं देना है जॉब पाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, पोस्ट नेम एंड लोकेशन, कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या लोकेशन निकल के आ चुकी है अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडवाइजर की पोस्ट है, ये बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। एएम की पोस्ट है, ये मुंबई लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। इसके बाद और एक एएम की पोस्ट है, ये जो है बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। एनालिस्ट की पोस्ट है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। आर्किटेक्ट की पोस्ट है, यहाँ पे पुणे लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। आर्किटेक्ट की और एक पोस्ट है, यहाँ पे बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। यहाँ पे एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट है, अहमदाबाद लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। इसके बाद असिस्टेंट
असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। असिस्टेंट मैनेजर की और एक पोस्ट है यहाँ पे बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। तो गाइज और एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं ये भी यहाँ पे बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारी असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की पोस्ट है ये मुंबई के लिए निकल के आ चुकी है, और एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की पोस्ट है ये आंध्र प्रदेश के लिए निकल के आ चुकी है। और गाइज आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बेंगलुरु के लिए भी है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, यहाँ पे बिहार के लिए भी निकल के आ चुकी है, देहरादून के लिए भी निकल के आ चुकी है, और दिल्ली के लिए निकल के आ चुकी है। तो गाइज ये सब वैकेंसीज जो है बहुत ही लेटेस्ट है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये सब जो यहाँ पे 3 जून में अपडेट किया गया है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं एडवाइजर की पोस्ट है, एम की पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने जितना भी जॉब्स बताया था हर एक जॉब यहाँ पे शो करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स है गाइज, यहाँ पे आप लोग जो है बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका निकल के आ चुकी है अगर आप लोग यहाँ पे फोनपे जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, महिला पुरुष सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, और फ्रेशर्स एक्सपीरियंस हर किसी के लिए वैकेंसी है, हर कोई यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन की बात कर ले तो अक्रॉस इंडिया आप लोगों को जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं अपने कैटेगरी के अनुसार आप लोगों को एज रिलैक्सेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 100% फ्री है गाइज, यहाँ पे आप लोगों को एक भी पैसा पे नहीं करना है। और आप लोगों को एक चेतावनी देना था, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर वगैरह भूल से भी नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग आपके कमेंट्स पढ़ सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कमेंट्स हर किसी के पास विजिबल होता है। और गाइज यहाँ पे आजकल कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, आप लोगों को डीपी वगैरह में नंबर लगा के रिप्लाई कर दे कि हमारा नंबर है हमें फोन कीजिए हम आपका जॉब लगवा देंगे, आप लोग फलाना कंपनी से बोल रहे हैं। तो गाइज ये लोग भी फ्रॉड है, इन लोग के जास में नहीं आना है। मैं यहाँ पे आपको जो तरीका दिखाऊंगा बिल्कुल फ्री और निःशुल्क वाला तरीका, उसी तरीके से यहाँ पे आवेदन करना है, यहाँ पे आप लोग को किसी को भी कॉल वगैरह नहीं करना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे सैलरी, तो सैलरी जो है आप लोग जैसे कि देख पा रहे सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट कंपनी रूल। हाँ गाइज अलग अलग पदों के लिए आप लोग अलग अलग सैलरीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, तो इंटरव्यू और एग्जाम के माध्यम से आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है, 10वीं पास 12वीं पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन लाइक बीई, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक एमटेक, एमबीए, हर किसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं हाउ टू अप्लाई, तो गाइज यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, गाइज यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है इसको जानने के लिए आप लोगों को अभी से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स है, हर एक स्टेप को यहाँ पे आप लोगों को फॉलो करना होगा, बारीकी से समझना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे जो है अच्छी तरह से आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से आवेदन करते हैं तभी आप लोगों की जॉब पाने के चांसेस जो है बढ़ जाएगी। तो देखिएगा मैं यहाँ पे कैसे आवेदन करता हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदन करने के लिए आप लोग को गूगल में आ जाना होगा, अपने मोबाइल फोन में या फिर पीसी में कोई भी एक बढ़िया से वेब ब्राउजर को ओपन करके। मैं यहाँ पे आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे गूगल में आके तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को आगे टाइप करना होगा JOBJOB VALLEY, आप लोगों को बस इतना टाइप कर देना है, साथ में आप लोग ONLINE भी लिख सकते हैं। तो गाइस जॉब वैली ऑनलाइन लिख दीजिएगा और यहाँ पे जो है सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप लोग सर्च कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं www.jobvalley.online, ये सबसे ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइज आप लोगों को डायरेक्टली इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे ही आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जॉब वैली के ऑफिशियल पेज में पहुंच जाएंगे। तो गाइज अभी आप लोग हमें सवाल पूछ सकते हैं कि हमें जॉब वैली के ही पेज में क्यों आना है, तो गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे आप लोगों को हर एक जॉब वैकेंसी की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगी, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं June 6, आप लोग पहले डेट को अच्छी तरह से देखिएगा, ये फोन पे रिक्रूटमेंट 2022 ये देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे अगर देखने को नहीं मिलती आप लोग कुछ दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ऊपर में सर्च दिस ब्लॉग में आना है इसमें। तो गाइज यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग में आके आप लोग को लिखना होगा PHONE, ऐसा लिखना है, इसके बाद PE ऐसा लिखना है। तो इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे 2022 लिख देना है, लिख के यहाँ पे आप लोग जो है सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप लोग ऐसा लिखेंगे सर्च कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं June 6 वाला जॉब जो है ये सबसे ऊपर में, बस यही वाला ही यहाँ पे आप लोगों के सामने शो करेगा। तो गाइस डायरेक्टली आप लोगों को इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इस जॉब का पूरा जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों के सामने।
यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बस नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स। हाँ गाइज, यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बताया था, जॉब विली के ऑफिशियल पेज में आप लोगों को हर एक जॉब की लिंक्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाए, यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगी, अदर वैकेंसी डिटेल्स लिंक देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, ये सब लिंक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अप्लाई लिंक क्लिक है, मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे जितना भी यहाँ पे मैंने जॉब्स बताया था, जैसे कि एडवाइज़र का जॉब है, ये एम का जॉब है, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं एनालिस्ट का जॉब है, आर्किटेक्ट का जॉब है बेंगलुरु के लिए, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये एरिया सेल्स मैनेजर अहमदाबाद के लिए जॉब है। यहाँ पे बहुत सारी जॉब शो करेगी गाइज, यहाँ पे आप लोग जो है गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल किसी भी एक जॉब में जस्ट डेमो के लिए आवेदन करके दिखाऊंगा। आप लोगों को हर एक जॉब को यहाँ पे देखना होगा। जैसे मुझे ये वाला जॉब चाहिए तो मैं इसमें यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे अब इस जॉब का जो है पूरा जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या क्या काम वगैरह करना होगा, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो हर एक चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, अपने क्वालिफिकेशन के साथ मैच कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अप्लाई वाला बटन। आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रही है जो अप्लाई वाला बटन है, आप लोगों को इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। गाइज, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था मैं यहाँ पे आपको पूरा जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे जो है अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, आप लोगों के सामने ये वाला फॉर्म जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देना है, फोन नंबर लिख देना है। इसके बाद एक रिज्यूमे अटैच कर देना है यहाँ पे अटैच में क्लिक करके। तो गाइज, अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है, रिज्यूमे कैसे बनाना है वो भी मोबाइल फोन से प्रोफेशनल रिज्यूमे, उसका अगर फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे लिए रिज्यूमे वाले वीडियो लेके मैं जरूर लेके आ जाऊंगा। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है सीवी या फिर रिज्यूमे यहाँ पे अटैच कर देना है। कवर लेटर है तो इसको भी अटैच कर देना है, अपना स्कूल का नाम, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे डिग्री आप लोगों ने कौन सा किया है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं अपना डिसिप्लिन कौन सा था, ये सब आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अपना स्टार्ट डेट या इसके बाद एंड डेट, इसके बाद कंपनी का नाम अगर आप लोगों ने पहले कहीं पर काम किया है, इसके बाद लिंक इन प्रोफाइल का अगर यहाँ पे आपके पास लिंक है तो इसको भी दीजिए। आप लोगों को ये सब यहाँ पे भर देना है, करंट करियर स्टेज क्या है, एक्सपीरियंस है या फिर स्टूडेंट है, आप लोग ये सब यहाँ पे दे सकते हैं। करंट कंपोजिशन क्या है आप लोगों का, कोई भी यहाँ पे अगर आपका इनकम नहीं है तो ये भी यहाँ पे दे सकते हैं। अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, अपना करंट इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, अगर है तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो ये सब डिटेल्स भर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग मेल है फीमेल है इसको भर देना है, डिजिबिलिटी है तो दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये भी यहाँ पे दे सकते, अगर करते हैं तो दे सकते, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कर देंगे, आप लोगों का यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। सो गाइज, जैसे मैंने आपको पहले वादा किया था मैं आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखा दिया है। अगर फिर भी यहाँ पे आप लोग को आवेदन करने में कोई भी दिक्कत आ जाए, आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए बहुत ही बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा जरूर।